तारीख के बीच में आधी रात में 2:30 को हुए सके से इधर नंबर 13 और 14 के बीच में मेरी पट्टन में हुआ। इसमें कॉम्प्लेंट शबाना बेगम इसका बेटा है 14 मंथ 14 महीने का बेटा है। यू नो लेबर भी काम भी करते हैं, बेगिंग भी करते हैं, भी मांगने वाली औरत है। यू नो वो बेगिंग करने के बाद तीनों एक्सप्रेस वे पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में सो गई तो वो बच्चा को कोई उठा के लेके नहीं बोले कैसे बाद में उसको देख लेके पुलिस स्टेशन का आके कंप्लेंट दी। ये कंप्लेंट देने के बाद हमारा आसिफ नगर इंस्पेक्टर श्रीनिवास, हुमायूं नगर इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी और आसिफ नगर DI नागेश्वर और SI आसिफ नगर SI वुमेन SI हाइमा एंड श्रीनिवास तेजा और क्राइम स्टाफ विद्यासागर अच्छिरेड्डी राहुल विजेंदर सिंह राकेश अंडल वुमेन PC राधिका और आसिफ नगर PS ये लोग एक स्पेशल टीम काम करें। इम्पॉर्टेंट केस बच्चा को भी कुछ जान का भी खतरा हो सकता है इसलिए DCP साहब इसके ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। DCP साहब मॉनिटर करके स्पेशल टीम फॉर्म करें। ये हुमायूं नगर का केस है फिर भी मगर पूरा मिलके एक टीम फॉर्म करके 2 इंस्पेक्टर और 1 DI और माय बोले सो SI हरमा श्रीनिवास तेजा क्राइम स्टाफ पास से नगर मिल के इसको वर्कआउट करें। ये केस को वो पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में CCTV फुटेज वेरीफाई करें। IC वेरीफाई करते करते विकाराबाद तक गए वहाँ पे क्यों बोलते लंगर हाउस से आगे वहाँ तक गया। फिर वहाँ से आगे गए तो फिर ये पुलिस अकेडमी की तरफ वहाँ तक पुलिस अकेडमी की तरफ भी हमारे को फुटेजेस मिला। हमारे इसमें करीब 200 के ऊपर CC कैमरा उसको वेरीफाई करें। ये स्पेशल टीम बहुत मेहनत करें इसमें करके फिर वहाँ पे विकाराबाद जाने के बाद फर्स्ट कल ये औरत को अरेस्ट करें। ये बच्चा को वो औरत के पोजीशन से हम रिकवर करें। फिर और एक औरत को लक्ष्मी को भी अरेस्ट करें। ये दोनों भी रिश्तेदार है, दोनों भी एक पहचानते हैं। ये लोग विकाराबाद रेलवे स्टेशन करें। फर्स्ट औरत को दस्तम्मा और लक्ष्मी ये अरेस्ट करके दस्तम्मा के पोजीशन से बच्चा को रिकवर करें। यहाँ से एक ऑटो पकड़े। ऑटो का भी हमारे ऑटो में भी नंबर वर्कआउट करने के लिए कोशिश हुआ मगर नहीं मिला। ऑटो का नंबर रात का टाइम होने से नंबर हमारे को ये नहीं हुआ मगर ये लोग फिर लंगरोज में उतरे। लंगरोज में फिर टिप्पू कान ब्रिज करने और एक ऑटो पकड़ के पुलिस अकेडमी तक गए। फिर वहाँ से कहाँ जाने का चांस है, बीच में कैमराज नहीं है मगर जस्ट हम वर्कआउट करें, टीम्स फॉर्म करें ना डिफरेंट टीम्स। आप तुम ये रूट में जाओ, तुम ये रूट में जाओ, जाके मोइनाबाद तक गए तो मोइनाबाद में फिर ये लोग ये दो औरत हमारे को टीवी में पुलिस स्टेशन पर जाकर मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में टाउन पुलिस स्टेशन में वर्कआउट करे तो मिले। फिर रेलवे स्टेशन करने भी मिले, रेलवे स्टेशन के बाद नहीं मिला। फिर आगे भी गए और आगे तांडोर तक भी जाके आए। फिर हमारे टेक्निकल वर्कआउट करके इसमें ये लोगों को अप्रिहेंड करें। एक्चुअली ये केस में बहुत अच्छा केस है हमारा। आसिफ नगर इंस्पेक्टर, हुमायूं नगर इंस्पेक्टर और आसिफ नगर DI माई पुलिस और SI हाइमा एंड श्रीनिवास तेजा क्राइम स्टाफ बहुत अच्छा मेहनत करें। कमिश्नर साहब और DCP वेस्ट बंगाल साहब, एडिशनल DCP साहब उनको केस को अप्रिशिएट करें, अच्छा काम करें। वो के साथ में जो लेडीज है ये लोग तेलंगाना वाले हैं। ये फर्स्ट केस है एक्चुअली। ये काम देखने के बाद मैं ऑलरेडी तेलुगु में बोले सुनू। टोली चौक में केस हुआ सेम बेगर, एक 8-9 महीने से पहले टोली चौक में फ्लेवर के नीचे एक औरत सो रही थी, उसके गोद में से बच्चा को उठा के लेके गए। वो फोटोज भी ला के देखे, ये हमारे को CCTV में फुटेज में मिले। सो फोटो से कंपेरिजन हो रहे क्या वो सिमिलर है क्या वो, मगर वो वर्कआउट नहीं हुआ। ये लोग मिलने के बाद फर्स्ट जो भी आपके मिलते हैं हम प्रीवियस कितने केसेस में प्रीवियस क्राइम हिस्ट्री रहती है क्या बोलते हैं वर्कआउट करते नहीं है। ये लोग का भी नहीं, वो बच्चा को लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए लेके गए। ये दोनों का औरतों का अरेस्ट करके ये दस्तम्मा से एक बेसिक नोकिया फ़ोन और 1900 रुपये सीज करें। फिर लक्ष्मी से एक सैमसंग फ़ोन सीज करें। ये दोनों एक एक ये फ़ोन से यूज़ करके एक बात कर लेके प्लान करें लोग। उसके बाद में भी ये क्राइम के बारे में बात कर लिए इसलिए केस में इन्वॉल्व है ये फ़ोन सीज करें। फिर ये बच्चा को लेके जाने के बाद 6th और 7th को लेके जाने 7th अर्ली मॉर्निंग आज 17th तक
बीच में बच्चा को यूज़ करके 1900 रुपीज़ 1900 रुपये भी ये लोग कमाए, भीख मांग लिए, वो अमाउंट उनकी सीज करेंगे। अभी मेहंदीपट्टनम एरिया में कम से कम 50 से 100 लोग रहते जो अननोन भीख मांगने वाले, उनके लिए पुलिस की तरफ से क्या है? रात में हम उसको रैंडमली चेक कर रहे हैं, ये टाइम आया बोल के मैं बोल रहा हूँ। रात में जो हर एक दिन, मैं इसके पहले आपको बोला कि 2-3 प्रेस मीट्स में हर एक दिन जो रात में नाइट में 8 बजे से सेक्शन शुरू होता, नाइट ड्यूटी वाला होता, ये लोगों को नाइट ड्यूटी रहे, सो एस एच ओ डी आई साहब रहे, तो एस आई जो भी है, ये लोगों को ब्रीफिंग करते हैं नाइट में क्या क्या करना, दुकानों को बंद करना, कौन सा एरिया में फिरना, ऑलरेडी वो लोगों को आईटी सेल से आ जाता हमारे, कौन से एरिया में पेट्रोलिंग करना, कौन सा एरिया में कितना से क्या टाइम तक रहना, सस्पेक्ट्स को कैसा चेक करना, ये बोल के हमारे कहा जाता है। उसके सिवा हम ये लोग भी चेक करते हैं रैंडमली, ये लोग चेक करके, ये लोग अगर डेली रहने वाले हमारे को क्राइम स्टाफ, ये पेट्रोलिंग स्टाफ को मालूम है, वो चेहरे पहचानते, अगर नया आदमी दिखा उन यंग है, फिट है, कभी पहली बार दिखा बोले तो उसको चेक करते हैं, लॉगिन चेक कर वेरीफाई करते हैं, फिंगरप्रिंट्स चेक करना, आईरिस चेक करना, बायोमेट्रिक्स वेरीफाई करना, तो उसका नाम वगैरह लेके उसका प्रीवियस क्राइम हिस्ट्री है बोलते वेरीफाई करना, तो उसके पहले नहीं आया पहली बार क्यों आपका सवाल मैडम के बोल अम्मा रोटीन चेक कर डेली वर्कआउट के अलावा इसके पहले जैसा आप देखा।